students now we are going to study the levels of measurement we have completed the literature review as a research process and now we are going to study the uh, how to measure the variable so let's see how what is the level of measurement if we define a level of measurement it is a system for organizing information in the measurement of variables into four levels from nominal level to ratio level Uh, ये एक सिस्टम है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में जिसमें हम डिफरेंट वेरिएबल्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पांस कैटेगरी एट्रीब्यूट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पांस कैटेगरी हम उनको uh, जो है रैंक uh, आउट करते हैं uh, चार किस्मों में नॉमिनल लेवल से ले कर uh, जो है कॉन्टीन्यूस लेवल तक और इसमें हम ये देखते हैं कि सम वेरिएबल्स कैन बी मईड ओनली एट वन लेवल Uh, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ एक लेवल पे मैयर हो सकते हैं जैसे नॉमिनल लेवल पे एंड सम वेरिएबल्स कैन बी मैर्ड एट ऑल लेवल उनमें से कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको हम तमाम लेवल्स पे मैर कर सकते हैं कि नॉमिनल लेवल पे भी मैर हो सकते हैं वो ऑर्डिनल लेवल पे भी मैयर हो सकते हैं इंटरवल लेवल पे भी मैयर हो सकते हैं और कॉन्टीन्यूस लेवल पे भी मैयर हो सकते हैं तो नॉमिनल uh, लेवल में जो वेरिएबल होता है वो आपका हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी लेवल ऑफ वेरिएबल होता है और जो कॉन्टीन्यूस लेवल ऑफ वेरिएबल है इसको हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ मैरमेंट समझते हैं तो जो अगर आपके पास वेरिएबल इन कॉन्टीन्यूस शेप है तो यू कैन परफॉर्म मोर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एज कम्पेयर टू द वेरिएबल विच यू हैव इन नॉमिनल फॉर्म और ऑर्डिनल और इंटरवल फॉर्म और ऑर्डिनल और इंटरवल फॉर्म में भी जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं यू कैन अप्लाई मल्टीपल स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स टू एनालाइज द डेटा